हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बताने वाले हैं आपको कि आप कपड़े से जो आपके इधर उधर चप्पल जूते हैं, अगर आपका छोटा घर है ना और आपके चप्पल इधर उधर बिखरे हुए फिरते हैं, तो आप उन्हें किस तरह से समेट कर रख सकते हैं। तो ये कपड़े और एक हैंगर से की मदद से आप बिल्कुल बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कपड़ा ले लीजिए, आपके पास कोई भी फैब्रिक हो, किसी भी तरह का हो, प्रिंटेड हो, प्लेन हो, कैसा भी हो, लेकिन थोड़ा बड़ा लेना है, करीबन 1 से 1.5 मीटर के करीब। उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे, मतलब जितना हमारा हैंगर है ना उसके हिसाब से हम उसको डबल फोल्ड करके, हमारा इतना होना चाहिए जितना हमारा हैंगर। फिर हम उसको डबल करके उस पर सिलाई लगा लेंगे, एक साइड से हम बंद कर लेंगे, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में जो साथ में चल रहा है, एक साइड से बंद करके फिर हम लंबी सिलाई लगा लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है इसको बनाना। ऐसे ही हम सीधी सिलाई लगाते चले जाएंगे। और जो हमारे इधर उधर हमारे चप्पल जूते, क्योंकि ऐसा होता है कि सारे घर में नहीं पहने जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे आने जाने के, तो उठा के रखते हैं तो वो इधर उधर ही बिखरे फिरते हैं इतना, तो उनको हम किस तरह से समेट के रख सकते हैं। अगर आपका छोटा सा घर है और आपके चप्पल जूते रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप उनको किस तरह से समेट सकते हैं, तो सिर्फ मेरा वीडियो बताने का यही रीज़न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से सीधी सिलाई लगा लीजिए, बिल्कुल सीधी आप लगाते चले जाएँगे। तो जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें इसको सीधा करना है, जो हमारे क्योंकि हमारा ये उल्टा है, अब हम इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको सीधा कर लीजिए, और सीधा करने के बाद का जो हमारा आगे का जो वर्क है वो हम किस तरह से करेंगे, तो इसके कोने अच्छे से निकाल लें और इसको इस तरह से सीधा कर लें। तो जहाँ पर हमारा खुला हुआ एरिया है वहाँ पर हम इसमें हैंगर लगाएंगे, ये जो हमारे पास हैंगर है, तो इसको हम इसके अंदर से डालेंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे, जिससे कि जो हमारी सिलाई, जो हमारा यहाँ से खुला हुआ एरिया था ना, वो हमारा अंदर आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है इसको बनाने का, बहुत ही ईजिली से आप घर पे बना सकते हैं। जिन पे सिलाई नहीं आती है ना, जिन महिलाओं पर, वे भी बना सकती हैं इसको, बहुत ही ईजी तरीके से आपको बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से सीधी सिलाई लगा लीजिए, आप चाहे तो इस सिलाई को डबल भी कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा ये और मज़बूत हो जाए। तो यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सिलाई मैंने लगा दी है और यहाँ पे मैं इसको डबल कर दूँगी, जिससे थोड़ा जो हमारी सिलाई है वो थोड़ी पक्की हो जाए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब आगे वाला जो वर्क है वो मैं बताती हूँ। अब हमें इसको कट कर लेना है, और यहाँ से हमें अपना जो हमारा फैब्रिक है उसका फोल्ड करके रखना है, यानी कि डबल कर देना है, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। आपको इसमें 2 फ्लोर बनाने हैं, आप चाहे तो इसमें निशान लगा के बना सकते हैं इंच टेप से नाप के, या फिर आप ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें ऊपर की साइड से दोनों साइड से बंद करना है, क्योंकि हमें ऊपर वाला पॉकेट बनाना है, और बीच में फिर एक सिलाई लगानी है, तो इसमें हमारे 3 फ्लोर बन जाएंगे, यानी कि जो हमारी सिलाई है वो 2 आएंगी और हमारे फ्लोर जो है इसमें 3 बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे इसके नीचे, ये हमने साइडों से बंद किया है, और फिर अब हम इसके नीचे, यानी कि इस तरह से बीच में सिलाई लगा देंगे। तो ये पॉकेट हमारा ऊपर से हो गया है, और अब हम नीचे वाले एक सिलाई नीचे लगाएंगे, जिसमें हमारे डबल पॉकेट बन जाएंगे। तो एक सिलाई हमारी ये हो गई, और एक हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से हम साइडों से नहीं सिलेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमें ओपन रखनी है नीचे की। तो ये हमारा बनकर हो गया है कंप्लीट। अब हम इसमें आपको जो हमारे चप्पल जूते होते हैं, शूज़ वगैरह या सैंडल, वो हम रख के दिखाएंगे। तो ये हमारी ऊपर से पॉकेट हो गई, और ये हमारी नीचे वाले साइडों से हो गई। तो यहाँ पे अभी हम आपको रख के दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से हम साइड से रखेंगे, दूसरे वाले में भी हम इस तरह से ही रखेंगे। आप इसको हैंग करके, यानी कि टांग के रख सकते हैं, टांग के ही रखा जाएगा ये, जब इसमें हैंगर है। और ऊपर से हम इसमें ऐसे सॉक्स वगैरह, या फिर आप ऊपर भी शूज़ रख सकते हैं, या फिर आप उनमें सॉक्स वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से, और बिल्कुल भी इसमें खर्च नहीं है।
तो इस तरह से आप अपने यूज़ के लिए बना सकते हैं। तो इसी के साथ अभी हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।